हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एंड आई विश टू गॉड यू ऑल आर बी फाइन विद योर फैमिली विद अ ग्रेट एफर्ट। आई एम दिग्विजय सिंह, आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 7 टॉपिक ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉक्ट अबाउट ऑल द थिंग्स एंड अ न्यू थिंग्स दैट इज इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्राइंगल। हमने आपको क्या पढ़ाया? पहले ट्राइंगल बताया, ट्राइंगल के काइंड्स अकॉर्डिंग टू साइड्स, उनके काइंड्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स बताया, हमने सेंट्रॉइड बताया, मीडियन बताया, एल्टीट्यूड बताया, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा है तभी ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हुआ तभी ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसी को कहते हैं, अगर एग्जाम में आगे राइट द इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्राइंगल, आप लिखेंगे द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी अगर एक ट्राइंगल की साइड x, y और z है, मान लीजिए x प्लस वाई बड़ा होगा z से या y प्लस z बड़ा होगा x से या x प्लस z बड़ा होगा y से, ये तीनों होगा। ऐसा नहीं किसी भी दो साइड का सम बड़ा होगा तीसरा और किसी भी दो साइड तीसरे छोटा होगा ना, किसी भी दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, और अगर बड्डा नहीं है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल तभी बनेगा जब वो दो साइड कम तीसरी साइड से बड़ा होगा। यानी मिठाई तभी बनेगी जब दूध को जला के खोआ बनाया जाएगा, और बिना खोए की मिठाई अच्छी नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल तभी बनेगा जब दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। ओके, नाउ स्टार्ट 12D। 12D हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि तो आगे बढ़ते रहना है, और वही हाल है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम में है, गिरते हैं सर सवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो पहले कहा अरे पापा मैं हार गया, बैटिंग करना अरे पापा बहुत फास्ट बॉलर है, और मैं तो आउट हो जाऊंगा, पहले तो आउट हो गए तुम, अरे जाओ बल्ले तो जाकर मारो, गिरा गिरा के देरी हो जाएगी उसकी, अच्छे से बैटिंग करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जिंदगी का महत्वपूर्ण पार्ट है मुस्कुराना, हंसते रहिए हमेशा खुश रहिए, आप जो कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए और मुस्कुराते रहिए और लोगों को भी हंसाते रहिए, यही जिंदगी का फंडा है। और खाते हम अंडा है, लेकिन अंडा कब खाना चाहिए? जब मुस्कुराना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस चेक इफ द मेजर्स गिवन कुड बी द पॉसिबल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सेंटेंस बदल दिया, वैसे नहीं लिख सकता है, सीधे से नहीं लिख सकता था। चेक वेदर द गिवन लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर नॉट, जो साइड्स दी गई हैं, थ्री थ्री साइड्स दी गई हैं, वो एक ट्रायंगल की साइड है कि नहीं है, है कि नहीं है, मिठाई अच्छी है कि नहीं है, आइटम अच्छा है कि नहीं है, तो खा के देखेंगे ना। चलो इसको करके देखते हैं। पहला है 4, 4, 7, 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 + 4 > 7 है, 4 + 7 > 4 है कि नहीं? बात वही है, यानी आप देख रहे हैं दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो रहा है। यस, दीज आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसमें पूछ सकता है ये कौन सा ट्राइंगल होगा, तो जिसमें दो साइड इक्वल हो उसको आइसोसेलिस ट्राइंगल कहते हैं या आइसोसेलिस ट्राइंगल। तीसरा है 3, 4, 8 B, 3 cm, 4 cm, 8 cm, 3 + 4 < 8 है, नो। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, भले ही 4 + 8 बड़ा है इससे, 3 + 8 बड़ा है 4 से, लेकिन अब यहां किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बराबर या छोटा हुआ तो ट्राइंगल, नो, दीज आर नॉट
द साइड ऑफ आवर ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल के साइड नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर थ्री साइड दे दिया जाए तो आप पता कर सकते हैं कि अगर वो ट्राइंगल की साइड्स हैं कि नहीं है, यानी किसी भी दो साइड्स का सम अगर तीसरी साइड से बड़ा नहीं हुआ तो ट्राइंगल साइड नहीं होगी। हमेशा द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके बेटा, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू ऑर फॉल्स, बुक में करवा दे रहे हैं, ट्रू ऑर फॉल्स है दिया हुआ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन फिगर बना लेते हैं। तब कहेंगे सर आप बहुत पढ़ा देते हैं, लेकिन जान लीजिए कि मैं जितना देख रहा हूं सबसे ज्यादा वीडियो मैं ही बना के भेजता हूं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। हम चाहें तो समझा के पीडीएफ बना के भेज दें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब क्लास की फीलिंग आ जाए, है ना। क्यों मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराओ मत, अच्छे से पढ़ो। हाँ मुस्कुराते रहो, अभी तो हमने कहा ना मुस्कुराते रहो, लेकिन हमेशा मुस्कुरा, ज्यादा मुस्कुराना भी अच्छी बात नहीं है। देखो अभी मुस्कुरा रहे हो, अरे दांत दिखा रहे हो, ना 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 ना, दांत में दिखाओ, भले मुस्कुराओ फिर अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें इसमें ट्रू ऑर फॉल्स, ए बी प्लस बी सी वाला दिया है, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, हम देख ले रहे हैं इसमें बी वाला है ए सी प्लस ए डी, ए सी प्लस ए डी ग्रेटर देन सी डी, और क्या दिया है ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी डी, इन बता देती आप लगा लीजिए, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, तो एक ही ट्राइंगल की साइड है ना, ये ट्रू है। क्या ये ट्रू है, क्यों, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, ए सी प्लस ए डी बड़ा होगा सी डी से, ए सी प्लस ए डी बड़ा होगा सी डी से, ये भी ट्रू है, ठीक है, और ए बी प्लस ए डी बड़ा होगा बी डी से, ये भी ट्रू है। तीनों ट्रू हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं ए सी प्लस सी डी, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए सी है, डी यहां कर दे रहे हैं, ई यहां कर दे रहे हैं, एफ यहां कर दे रहे हैं, डी है ए सी प्लस सी डी बड़ा होगा ए डी से, और डी है बी सी प्लस सी ए बड़ा है ए बी से, और ए डी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी डी, ये है कह दीजिए। तो ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी बड़ा होगा ए डी से, ये भी ट्रू है, हम ठीक कर दे रहे हैं, आप ट्रू लिख लीजिएगा। बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा ए बी से, ये भी ट्रू है, ठीक है। इसमें ये दिया है ना स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, और क्या दिया है ए डी प्लस ए बी, ए डी प्लस ए बी बड़ा होगा बी डी से, ये भी ट्रू है, सभी ट्रू है बेटा, इसमें सभी ट्रू है। लेकिन यहां पे दिया है बी सी प्लस सी ए लेस देन, अरे बाप रे गलत यहां लेस देन दिया है इन दोनों में, ओहो देखिए देखिए लेस देन दिया है, जब लेस देन दिया है तो ये जान लीजिए दो साइड ससम तीसरी से छोटा नहीं होता है, ये फॉल्स हो जाएगा, अगर यहां ग्रेटर देन कर देगा तो ट्रू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज, ये सब आप कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड वाला यही तरीका है सब में, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, देखो मुस्कुरा गए, देखो 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 मुस्कुरा रहे, सब लोग मुस्कुराए गए। थर्ड में दिया है शूट द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर बिटवीन व्हिच टू नंबर्स कैन लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल, तो किस दो नंबर के बीच में, किन दो नंबर के बीच में जो होगा होगा, किस किन दो नंबर के बीच में, जैसे एक साइड है, फोर्थ क्वेश्चन हम बता रहे हैं, थर्ड में बेटा कुछ नहीं दिया है, उसने फिगर बना दिया है, अब दो साइड इज क्या एस या नो आपको बताना है, अगर दो साइड का सम तीसरा बड़ा अगर एक ही ट्राइंगल का एस कर दीजिएगा तो नो कर दीजिएगा, देख लीजिएगा एक लेंथ है 5 सेंटीमीटर और एक लेंथ है 8 सेंटीमीटर,
तो कह रहा है किन दो नंबर के बीच में तीसरी साइड होगी, तो थर्ड साइड इज ऑलवेज, यानी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, यानी 5 + 8 क्या हो गया 13, यानी जो तीसरी साइड होगी वो 13 के नीचे होगी, जो तीसरी साइड होगी वो 13 के नीचे होगी। और इनका डिफरेंस क्या है, 8 - 5 = 3 है ना, इनका डिफरेंस क्या है 3, तो जो इनका डिफरेंस अगर 3 है, डिफरेंस क्या हो गया 8 - 5 = 3, यानी थर्ड साइड बिटवीन 3 and 13, थर्ड साइड जो होगी 3 और 13 के बीच में होगी, ना 3 होगा ना 13 होगा, इनके बीच में होगा, ध्यान रखिएगा। इनके डिफरेंस, दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है तीसरी साइड से छोटा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें देख लीजिए अगर ये 5, 8 और 12 है तो 8 और 5 का डिफरेंस 3 छोटा हो गया 12 से, यानी दो साइड का डिफरेंस भी होता है वो थर्ड साइड से छोटा होगा, और दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा, तो इनका सम 13 हो गया, इसका मतलब जो तीसरी साइड होगी 13 से कम होगी, डिफरेंस 3 हो गया, यानी 3 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस से छोटा होता है, तो जो तीसरी साइड होगी वो 3 और 13 के बीच में होगी। इस तरीके से बेटा पढ़ना है। इसमें 5th क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स आप कर लीजिएगा, 6th क्वेश्चन में आप फिल इन द ब्लैंक से कर लीजिएगा, बड़ा छोटा क्या भरना है, ठीक है, और आल्सो सो दैट इसमें दिया हुआ है तो हम उसको बता देते हैं, 6th वाला क्वेश्चन बता देंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, वीडियो बढ़ गई है तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसी टाइप से अपने आप से क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करते रहिए, अचीवमेंट यही पहचान है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए जोश और नए जज्बे के साथ मिलते हैं, ओके, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको बूस्ट अप हॉर्लिक्स ग्लूकॉन डी मिलता रहे और मैं एक्साइटमेंट के साथ वीडियो और बनाता रहूं, ओके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए जोश और नए जज्बे के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।